हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइब्स एजुकेशन। स्टडी वाइब्स एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि थंबनेल में आपने देख लिया, हमने लास्ट में जो लेक्चर डिस्कस किया था वो राजस्थान के संत एवं संप्रदाय यहाँ पर डिस्कस किया था। उसके बाद में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसी का सेकंड पार्ट। लगभग 13 से 14 संत और संप्रदाय के बारे में अपन ने चर्चा की थी, और आज अपन उसके आगे जो अंत में समाप्त होते हैं वो सारे अपन यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। अंतिम जो भी सारे रहेंगे वो सारे डिस्कस कर लेंगे। स्टडी वाइब पर ये जो लेक्चर सीरीज चलाई जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें आपको सारी चीज़ रिवाइज भी करवाई जा रही है, और साथ में एक स्पीड में आपको स्पीड में इंट्रो के थ्रू यहाँ पर लेक्चर भी दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो अपन देखते हैं, ये मेरा ब्रीफ इंट्रो है। माई सेल्फ आशुतोष टेलर, ये मेरा क्वालिफिकेशन एजुकेशन है और टीचिंग एक्सपीरियंस वगैरह वगैरह सारी चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है ना। और स्टडी वाइब एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपने नॉलेज को बिल्ड कर सकते हैं। साथ ही साथ में अदर सोशल मीडिया हैंडल्स पर जुड़ने के लिए लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ पर जाकर भी आप अवेयर कर सकते हैं। अगर आपको टेलीग्राम पर जुड़ेंगे तो वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। साथ ही साथ में आप हमसे क्वेरी अगर आपकी है तो यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, और सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी आप जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आप हमारा लिंक, आप हमको सजेशंस दे सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि ये शॉर्ट वीडियोस हम इसमें लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम सीधी सी बात पर आते हैं। संत और संप्रदाय में हमने 14 संत पढ़े थे, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन से हमने पढ़े थे। दादू जी को पढ़ा था, दादू जी के 5 जो है शिष्य थे उनको पढ़ा था। अब मैं थोड़ा सा अगर ब्रीफ में भी बोलता जाऊँ तो भी आप सुन लीजिएगा। दादू जी जो है अहमदाबाद में उनका जन्म हुआ था। लोधाराम जी जो थे उनके पालन हार करता थे। गुरु जो ब्रह्मनाथ जी जो उनके गुरु थे, और निर्गुण भक्ति की इन्होंने क्या की थी, संदेश दिए थे। साथ ही साथ में अगर मेन बात जो है तो आमेर, उस समय आमेर इन्हें क्या बोलते हैं, राजस्थान का कबीर कहा जाता है, और ढूंढाड़ी भाषा में इन्होंने उपदेश दिए थे। अकबर से फतेहपुर सीकरी में 1584 ईस्वी में मिले थे। इनका मेला जो होता है वो फाल्गुन शुक्ल पंचमी एकादशमी तक भरा जाता है। इनका मुख्य नरेना केंद्र रहा है, और दादू मंदिर को दादू द्वारा बोला जाता है। इस तरह से हमने किया था। 5 शाखाएं होती है, खालसा विरक्त उत्तरादय खाकी और नागा। ये 5 शाखाएं होती है, 5 शाखाएं हैं इस पंथ की, तो 5ों के बारे में ध्यान रखना है। और 52 इनके क्या थे, 52 जो शिष्य थे उनको क्या बोला जाता है, 52 स्तंभ बोला जाता है। और सुंदरदास जी बीकानेर के थे, ठीक है ना, कल्याणमल के भाई थे बीकानेर के। वास्तविक नाम भीमराज था, और ये दादू जी के पहले शिष्य थे, तो सुंदरदास जी बड़े इनको बोला जाता है, और इन्होंने ही नागा शाखा की स्थापना की थी। सुंदरदास जी बड़ों ने की थी। नागा साधु जो होते हैं वो क्या हथियार अपने पास में रखते हैं, और जहां पर भी वो रहते हैं उनको छावनी बोला जाता है। रजब जी जो थे सांगानेर के पठान थे, और इन्होंने इनके उपदेश सुनकर विवाह को त्याग दिया था। तो रजब जी को क्या बोला जाता है, दूल्हे के वेश में आजीवन रहते हैं, तो दूल्हे के वेश में इनको, इन्होंने इनके उपदेश सुने थे और दूल्हे के वेश में आजीवन रहे थे। रजब वाणी और सर्वेंगी जो थे इनके 2 ग्रंथ थे, वो ध्यान रखना। सुंदरदास जी छोटे जो थे वो वैश्य परिवार से आते थे, और दादू संप्रदाय के शंकराचार्य कहे जाते थे, तो छोटे और बड़े दोनों का ध्यान रखना है। और इन्होंने 52 बुक्स लिखी थी, और मुख्य केंद्र इनका जो है सांगानेर में तो होगा ही, फतेहपुर सीकरी में है, और ये 2 ही मुझे याद आ रहे हैं अभी, है ना। और बालिन जी चौथे नंबर के थे, और 5वें नंबर के अपने पास में गरीबदास जी, और 6ठे नंबर के मिस्कन दास जी जो थे वो थे, मैंने आई होप मुझे यहाँ तक याद आ रहा है। और दूसरे जो थे हमारे, अब प्रमुख पहले दादूजी पूर्व है, दादूजी के बाद में है जाम्बोजी जो थे पंवार थे, और जाम्बोजी पंवार परिवार से थे, और पीपासर बीकानेर के अंदर आता है, तो पीपासर के क्या थे वो जन्म स्थान था उनका, और पिताजी उनके थे जो लोहर जी पिताजी थे, और हंसाबाई उनकी माताजी थी, ठीक है। और बचपन का नाम इनका था धनराज था, ठीक है, किनका, जाम्बोजी का। और जाम्बोजी जो इनका होता है समरा स्थल जो होता है इनके अनुयायियों को उपदेश दिए थे इस स्थान पर, अनुयायियों को 29 मतलब 20 प्लस 9 का मतलब हो गया विष्णु ही अनुयायी बने थे, तो इनको विष्णु ही बोला जाता है, ठीक है ना, अनुयायियों को विष्णु ही। हमारे जोधपुर क्षेत्र के पास में यहाँ पर विष्णुई संप्रदाय बहुत अत्यधिक लोग इस धर्म को मानने वाले होते हैं, संप्रदाय को मानने वाले होते हैं, ठीक है ना, तो विष्णुई उन्हें बोला गया, ठीक है ना। इनके उपदेश जो होते हैं ना इनको बोलते हैं समथरी इनके उपदेशों को बोला जाता है। और मुख्य केंद्र जो है मुकाम जो है बीकानेर में है, मुख्य केंद्र मुकाम बीकानेर में है। मेला भरा जाता है आश्विन मास की
आश्विन मास की अमावस्या को, आश्विन मास की अमावस्या को बेरा जाता है, और फाल्गुन मास की अमावस्या को, फाल्गुन मास की अमावस्या और आश्विन मास की अमावस्या को इनका क्या भरा जाता है, मेला भरा जाता है, ठीक है ना। ये यहाँ तक आई होप आपको ध्यान हो। वैज्ञानिक संत इनको बोला जाता था, वैज्ञानिक संत बोला जाता था, विष्णु के अवतार भी कहे गए। विष्णु के अवतार अगर किसे कहा गया तो जम्बो जी को कहा गया, ठीक है ना। जाम्बू जी ने सिकंदर लोदी से, सिकंदर लोदी ने इनकी अकाल के समय सहायता की थी, और क्या किया था, पशुओं के लिए चारा भेजा था, तो अकाल में सिकंदर लोदी ने इनके सहायता की थी। तो जाम्बू जी ने जोधा, राव जोधा और राव बीका दोनों को, दोनों ही उनका क्या करते थे, सम्मान करते थे, ठीक है ना। राव बीका और राव जोधा दोनों ही इनका क्या करते थे, सम्मान करते थे। जीव जीव हिंसा को इन्होंने इन्होंने तीन शिक्षाएं दी थी, मुख्य तीन शिक्षाएं दी थी। पहली कि वनस्पति को नहीं काटना, हरी वनस्पति को नहीं काटना, इसका मतलब खेजड़ी इनका पवित्र वृक्ष हो गया। दूसरा इन्होंने कहा जीव हिंसा नहीं करनी है, तो हिरण जो होता है वो इनके लिए बहुत पवित्र है, तो हिरण की रक्षा करनी है, ठीक है ना। और नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने, ये सबसे बड़ी बात कही थी। तो तीन यहाँ पर मेन मुख्य बातें कही, तीनों के बारे में आपको ध्यान रखना है। मंदिर जो है इनका, मंदिर मुकाम में है, क्योंकि मुकाम में इनका मुख्य केंद्र रहा है। लाल लाल सागर, लाल सागर बीकानेर में है, और जंगलू, जंगलू जो है वो भी बीकानेर में है, और जांबा ये आपके जोधपुर में है, और रामडावास, रामडावास जो है वो भी आपके जोधपुर में है। तो ये आपको यहाँ तक ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगले पे आते हैं जसनाथ जी, ठीक है ना। अब ऐसे सारे सारे तो एक एक बाणी होगा, मुख्य मुख्य बताता हूँ मैं अब, ठीक है ना। जसनाथ जी, जसनाथ जी का तो है कतरियासर, कतरियासर बीकानेर में जाट परिवार में इनका जन्म हुआ था। हमीर हमीर दे हमीर हमीर जी इनके पिताजी थे, और रूपा दे इनकी माता जी थी, ठीक है ना। मुख्य केंद्र जो है कतरियासर में था, ये आपको ध्यान रखना है। और इनके बारे में जहां तक मुझे याद आ रहा है कि सिकंदर लोदी ने इनकी भी मदद की थी, क्योंकि ये दोनों समकालीन रहे हैं, ठीक है ना। सिकंदर लोदी ने इनकी भी, और लूणकरणसर बीकानेर जो है वहां पर राजा जो बने थे उनको भी इन्होंने आशीर्वाद दिया था। तो लूणकरणसर के राजा बने थे, इन्होंने 36 उपदेश दिए थे, ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने कितने उपदेश दिए, 36 उपदेश दिए। और काले काले ऊन का धागा जो है इनके अनुयायी पहनते हैं, काली ऊन का धागा, ठीक है ना। और इनके बारे में, बीकानेर में इनके मुख्य केंद्र जो आएंगे आपके, बीकानेर में आएंगे अन्य केंद्र, ठीक है ना। बामलू, पहला तो बामलू, लखमदेसर, लखमादेश्वर, ठीक है ना। और मालासर, मालासर बीकानेर में आएगा आपका, ठीक है ना। और पंचला, पंचला सिद्धि जो है उसका नाम आपको ध्यान रखना, पंचला सिद्धि नागौर के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना। और ये जो है ये जसनाथ जी का क्या कहलाता है, जसनाथ जी जसनाथी संप्रदाय का क्या कहलाएगा, मथुरा, ठीक है ना। जसनाथी संप्रदाय का मथुरा अगर कहा जाता है तो वो कहा जाता है नागौर के अंदर जो है उसे बोला जाता है, ठीक है। यहां तक का आई होप आपको थोड़ा थोड़ा याद रिकॉल हो गया होगा। ये सारी रिकॉल करवा रहा हूँ मैं, है ना। पहले मैं पुराना वाला रिकॉल करवा रहा हूँ, क्योंकि एक दिन हो गया हमारे बीच में, तो आई होप आप भूले होंगे, थोड़ा याद रहा होगा तो एक बार वापस याद करवा देते हैं, ठीक है। और मुख्य संत जो थे लालनाथ जी, रामनाथ जी और रुस्तम, रामलाल जी, रामनाथ जी, लालनाथ जी और रुस्तम, ठीक है। ये इनके मुख्य शिष्य थे, इनके बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। मुख्य मेला जो भरा था चैत्र शुक्ल, चैत्र शुक्ल सप्तमी को, चैत्र शुक्ल सप्तमी को इनका मुख्य मेला भरा जाता है। और अश्विन शुक्ल, अश्विन शुक्ल सप्तमी को, सप्तमी इनके बहुत सही है, तो सप्तमी के मेले भरे जाते हैं। चैत्र शुक्ल चैत्र शुक्ल को भरा जाता है सप्तमी को, अश्विन शुक्ल सप्तमी को भरा जाता है, अश्विन शुक्ल सप्तमी को भरा जाता है, और माघ शुक्ल सप्तमी को भी भरा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। माघ शुक्ल सप्तमी, अश्विन शुक्ल सप्तमी और चैत्र शुक्ल सप्तमी, ये हमने पढ़ा है जसनाथ जी के मुख्य मेले पढ़ लिए, ठीक है ना। और ये इनके बारे में लगभग लगभग, इनके ग्रंथ जो है उनको थोड़ा सा, शंबुधरा नाम से एक ग्रंथ है वो इनका याद रख लीजिएगा। और बाड़ी, बाड़ी जो होता है ना इनके समाधि लेने का स्थल जो होता है संतों का, उसे बाड़ी बोला जाता है, ये यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है ना। ये यहाँ पर इनकी पत्नी की पूजा भी साथ में की जाती है। चरणदास जी चौथे पे आते हैं, चरणदास जी। अब ये लिखा हुआ है आपको ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो पीपीटी में इसमें लेकर नहीं आ सकता, क्योंकि उसको अपन ने पहले पार्ट में ले ली थी, तो अब मेरे पास वो नहीं है, मैं सेकंड वाली बना के लाया हूँ, तो वो सारे मैं आपके सामने रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूँ। कोई इशू नहीं, अपन एक बार वापस लिखा है वो ही पढ़ रहे हैं, तो वो तो कोई इशू नहीं है, आपने लिखा ही होगा अपनी कॉपी में, ठीक है ना। कोशिश कीजिएगा पूरा, अगर नहीं भी देखा है तो इससे पहले वाला वीडियो एक बार देख लीजिएगा, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए, ठीक है ना। चलो अपन इसको चरणदास जी को पढ़ते हैं वापस से। चरणदास जी में मुख्य बातें आपको क्या ध्यान रखनी है, एक तो डेहड़ा, डेहड़ा जो है अलवर में इनका जन्म हुआ था। जयपुर के राजा प्रताप सिंह जो थे उन्होंने क्या किया था, कोतवाली, कोटवाड़ा गांव जो था, कोली कोलीवाड़ा सॉरी कोलीवाड़ा गांव जो था वो यहाँ पर इनको क्या किया, भेंट किया था। मुख्य केंद्र दिल्ली में है, ये ध्यान रखिएगा। चरणदास जी का मुख्य केंद्र दिल्ली में है। गुरु शुक्ल देव थे, ठीक है ना। गुरु शुक्ल देव थे, वास्तविक नाम रणजीत था, रणजीत, ठीक है ना, रणजीत। इनका मेला जो भरा जाता है वो बसंत पंचमी को मेला जाता है। 42 उपदेश दिए थे, 42 उपदेश दिए थे इन्होंने, और
पीले रंग के कपड़े पहनते हैं, इनके अनुयायी कैसे कपड़े पहनते हैं, पीले रंग के कपड़े पहनते हैं, कौन से, चरणदास जी के, ठीक है ना, चरणदास जी के पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। ये आपको निर्गुण और सगुण दोनों भक्ति का इन्होंने क्या दिया था, संदेश दिया था, निर्गुण सगुण दोनों भक्ति का उपदेश दिया था। और इनके जो उपदेश है वो मेवाती भाषा में, मेवाती भाषा में इनके उपदेश होते हैं, ठीक है ना। और इसमें मुख्य अगर बात, और ये भविष्यवाणी कर सकते थे, तो इन्होंने नासिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। और इनमें क्या होता है, इस संप्रदाय के लोग अनुयायी जो होते हैं वो भगवान कृष्ण को मानते हैं सबसे ज्यादा, ठीक है ना, और भगवान कृष्ण को मानते हैं, और भगवान कृष्ण को अपनी क्या बोलते हैं, सखी बोलते हैं, ठीक है, सखी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सखी, सखी का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, अगला आता है लालदास जी। अच्छा, इनके दो ग्रंथ भी थे, दया भाई और सहजो भाई, ठीक है ना, इनके दो शिष्य थे दया भाई और सहजो भाई, उनका नाम याद रखना है। अगला आता है लालदास जी। लालदास जी तो धोलीधूड़ अलवर के अंदर, लालदास जी धोलीधूड़ अलवर के अंदर, लालदास जी धोलीधूड़ अलवर के अंदर, और गद्दन गदन चिश्ती, गदन चिश्ती जो थे इनके गुरु थे, ठीक है ना, गदन चिश्ती इनके गुरु थे। और शेरपुर, समाधि जो इन्होंने ली थी शेरपुर के अंदर ली थी, शेरपुर, और इनका मुख्य केंद्र है नगला नांगला जहाज भरतपुर, नांगला जहाज भरतपुर के अंदर इनका मुख्य केंद्र है, ये आपको ध्यान रखना है। और मेला जो बनाया जाता है अश्विन 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 मास की, अश्विन मास की शुक्ल शुक्ल एकादशमी एकादशमी माघ पूर्णिमा को भरा जाता है, ठीक है ना, माघ पूर्णिमा एकादशमी, माघ पूर्णिमा, कौन सी, माघ पूर्णिमा, ठीक है ना। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आई होगी चीजें। हमने ये किया है, क्या नाम है, लालदास जी को, लालदास जी के अंदर मेवाती भाषा में इनके भी उपदेश आते हैं, और इनके लोग मेव जाति के होते हैं, मेव जाति के होने के कारण मेव क्षेत्र में इनका सबसे ज्यादा प्रभाव बढ़ा जाता है। और बंधोली 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 जो है वो क्या है, वो कुतुब खां जो है इनका मुख्य केंद्र रहा है, कुतुब खां, और वहां पर लालदास जी के पुत्र की, वहां लालदास जी के पुत्र थे, कुतुब खां का मुख्य केंद्र रहा है बंधोली, ठीक है ना। ये आपने यहाँ पर लालदास जी को पढ़ा, 5वें नंबर पर देखा, बाल नंदाचार्य जी, बाल नंदाचार्य जी के बारे में पढ़े, तो बाल नंदाचार्य जी ने औरंगजेब की 42 मूर्तियों को सुरक्षित किया था, औरंगजेब का जब युद्ध हुआ था तो 42 मूर्तियों की रक्षा की थी। और लोहा लोहागढ़ लोहागढ़ जो है, लोहागढ़ जो है झुंझुनू में, लोहागढ़ जो झुंझुनू में है वहां पर इनका क्या है, मुख्य केंद्र है। और औरंगजेब के खिलाफ इन्होंने क्या किया था, अपनी सेना भेजी थी मेवाड़ के राणा राणा राय सिंह के साथ भी भेजी थी, और मारवाड़ के दुर्गादास राठौड़ जो थे उनके साथ, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, मारवाड़ के दुर्गादास और मेवाड़ के राणा राय सिंह के साथ में इन्होंने औरंगजेब के खिलाफ अपनी सेना भेजी थी, तो ये अपनी सेना भी रखते थे, ठीक है। हरिदास जी 7वें नंबर पर आते हैं, हरिदास जी, हरिदास जी के बारे में आप, कपोड़ कपोड़ कपोद जो है, कपोद जगह है, कपोड़ कपोड़ ये नागौर के अंदर है, ये इनका क्या है, जन्म स्थान है। और मुख्य केंद्र जो है गाढ़ा गाढ़ा डीडवाना नागौर के अंदर है, डीडवाना नागौर के अंदर इनका गाढ़ा जो क्षेत्र है वो यहाँ पर प्रमुख केंद्र बना हुआ है। और इन्होंने पहले ये क्या थे, पहले ये डाकू थे, आपको ये बहुत ज्यादा याद रखना है कि भाई हरिदास जी जो थे पहले डाकू थे, फिर क्या बने, संत बने, पहले डाकू और फिर संत बने, तो हरिदास जी के बारे में ये मुख्य बात रखती है, ठीक है ना। निर्गुण और सगुण दोनों भक्ति का उपदेश दिए थे, और इनके निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी, कौन से संप्रदाय की, निरंजनी संप्रदाय, ये याद रखना है, निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, तो हरिदास जी ने की थी, ठीक है। और हरिदास जी के पुरुष जी की वाणी, हरिदास हरि पुरुष की वाणी और मंत्र राज प्रकाश, ये इनके दो ग्रंथ थे, ये याद रखना है। अगला आता है संत धन्ना जी, संत धन्ना जी थे दुवल दुवल दुआ कला जो है टॉक के अंदर है, वहां पर इनका है, गुरु रामदास जी थे, और मंदिर जो है इनका बोरानाडा जोधपुर के अंदर है, और ये जाट परिवार से थे, इनके बारे में इतना ही पढ़ा था, ठीक है ना। संत पीपाजी प्रताप सिंह खींची उनका वास्तविक नाम था, राजा जो थे गागरोन के राजा थे प्रताप सिंह जी खींची, और इन्होंने इनके भी गुरु जो थे रामानंद जी इनके गुरु थे, इनके प्रभाव में आकर इन्होंने क्या किया, अपनी गद्दी त्याग दी और अपनी गद्दी छोटे भाई को दे दी, और राजपाट जो था छोटे भाई को दे दिया, और खुद और स्वयं अपनी पत्नी के साथ में क्या हो गया, संन्यास धारण कर लिया, ठीक है ना। संत पीपाजी जो है दर्जी समाज के मुख्य देवता हैं, और मंदिर जो इनका समदड़ी में है, और चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को इनका मेला भरा जाता है। टोडा टोडा जो टोंक है वहां पर इनकी गुफा है, छतरी जो इनकी गागरोण में है। संत पीपाजी कहने पर टोडा जी ने क्या किया था, टोडा जी टोडा के राजा जो थे शूरसेन, उन्होंने अपनी संपूर्ण संपत्ति संतों को दान दे दी थी, ये यहाँ पर आई थी। चितावनी इनकी एक ग्रंथ है, ठीक है। संत मेव जी 10वें नंबर पर आते हैं, मावजी संत मावजी जो है सावला सावला
सावला जो है डूंगरपुर के अंदर है, सावला डूंगरपुर में इनका मुख्य केंद्र है, और निष्कलंकी संप्रदाय की स्थापना की थी, और ये भगवान कृष्ण की निष्कलंकी मूर्ति को क्या करते हैं, निष्कलंकी मूर्ति या अवतार जो होता है उसकी पूजा करते हैं। वागड़ी भाषा के अंदर इनके उपदेश है, वागड़ी वागड़ी ठीक है ना। और बेणेश्वर धाम की स्थापना जो की थी संत माऊ जी ने की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है ठीक है ना। इनके चोपड़ा चोपड़ा नाम की एक ग्रंथ है, वो पांच भागों में है, पांच भागों में है, तो पांच भागों का नाम आपको ध्यान रखना है, प्रेम सागर, मेघ सागर, राम सागर, प्रेम सागर, मेघ सागर, श्याम सागर, रतन सागर और अंध सागर ठीक है ना। ये यहाँ पर पांच इनके संत मेव जी के बारे में हमने पढ़ा था ठीक है, ये मेव जी के बारे में पढ़ा था। और इनका जो शैली है संवाद की शैली जो होती है, वाद विवाद के तरीके की होती है, दिवाली के दिन गाते हैं, और भविष्यवाणी भविष्य की वाणियां की गई है इसके अंदर ठीक है ना। तीसरे विश्व युद्ध की वाणी भी इसी के अंदर की गई ठीक है। नवलदासजी, नवलदासजी का आपको मुख्य केंद्र याद रखना जोधपुर है, और नवल संप्रदाय की स्थापना की थी, नवलेश्वर अनुभवी अनुभव वाणी जो इनका ग्रंथ है। लालगिरी जी, लालगिरी जी बीकानेर का मुख्य केंद्र है इनका, लालगिरी जी का। और अलख्या संप्रदाय, अलख्या संप्रदाय की स्थापना की थी, और अलख स्तुति प्रकाशा इनका ग्रंथ है। लालदास जी, लालदास जी ठीक है ना। संत संतदास जी दादड़ा भीलवाड़ा के अंदर है, और गुदड़ संप्रदाय की स्थापना की थी, गुदड़ गुदड़ संप्रदाय की स्थापना की थी ठीक है ना, ये याद रखना है। राजा राम जी, राजा राम जी के बारे में अब अपन आते हैं, राजा राम जी 14वें पर लास्ट पर, इसके बाद में अपन अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। राजा राम जी को जो है शिकारपुर जोधपुर के अंदर है, वहां पर की थी, पर्यावरण संरक्षण के लिए संदेश दिए थे ठीक है ना। और पटेल जो होता है इनके समाज का मुख्य देवता जो है वो पटेल है। यहां तक अपन ने रिवाइज कर लिया है, अब अपन अगले लेक्चर पर आते हैं। नाहरपीर जी, नाहरपीर जी जो है नाहरपीर जी नरहड़ पीर जी सॉरी नरहड़ पीर जी जो है नरहड़ के झुंझुनू के अंदर क्षेत्र है, वहां पर है ठीक है ना। मुख्य केंद्र जो है, मुख्य केंद्र नरहड़ वहां पर है, मेला बढ़ता है कृष्ण जन्माष्टमी को मेला बढ़ता है। और हजरत शक्कर बाबा जो है, इनके अन्य नाम इनको कहा जाता है हजरत शक्कर बाबा ठीक है ना। और सलीम चिश्ती जो थे इनके शिष्य थे, सलीम चिश्ती का नाम याद रखना है, सलीम चिश्ती क्या थे, इनके अन्य शिष्य थे। और इन्होंने बागड़ बागड़ का धनी, इन्हें बागड़ का धनी भी कहा जाता है ठीक है ना। इनको क्या कहा जाता है, बागड़ का धनी, जो आपका पांचवा पॉइंट है यहाँ पर, बागड़ का धनी, इन्हें बागड़ का धनी भी कहा जाता है। और पागल व्यक्तियों का यहाँ पर इलाज किया जाता है, पागल व्यक्तियों का इलाज किया जाता है। और नरहड़ संप्रदायक समूह का केंद्र है ठीक है ना, सुहाद का केंद्र है, कि हिंदू मुस्लिम एकता के सुहाद का केंद्र है। तो क्या है, नरहड़ संप्रदायक, संप्रदायक जो होते हैं वो सुहाद का केंद्र कहते हैं। तो एक बार वापस रिवाइज कर ले, नरहड़ झुंझुनू में है, कृष्ण जन्माष्टमी को इनका मेला पड़ता है, अन्य नाम हजरत शक्कर बाबा है, और सलीम चिश्ती जो है इनके शिष्य हैं, इन्होंने बागड़ का धनी भी कहा जाता है, और पागल व्यक्तियों की यहाँ पर इलाज किया जाता है। और ये संप्रदाय जो है वो संप्रदायक है, नरहड़ संप्रदाय सुहाद का प्रमुख केंद्र माना गया है ठीक है ना। ये नरहड़ पीर जी के बारे में हमने पढ़ा, नरहड़ पीर जी के बारे में आपने यहाँ पर मेरे साथ में डिस्कस किया, तो छोटी छोटी चीजें हमने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर ली है। तो ये हमारे 15 नंबर के संप्रदाय ठीक है ना, संत और संप्रदाय दोनों साथ में चल रहे हैं। अगले पे आते हैं 16वें नंबर पर, 16वें नंबर पर आते हैं मीराबाई। मीराबाई को आई होप आप सब जानते होंगे, मीराबाई का जन्म जो होता है कुड़की पाली के अंदर है, कुड़की क्षेत्र पाली के अंदर है। और रतन सिंह जी इनके क्या थे, रतन सिंह जी इनके पिता थे, जो बालजोरी जो है, बालजोली के सामंत थे। इनके पिताजी जो थे वो भी सामंत थे, तो वो किसके सामंत थे, तो बालजोली के सामंत थे ठीक है ना। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और इनका वीर कंवर, इनकी माताजी थी भोजराज, जो मेवाड़ के राणा सांगा के पुत्र थे, राणा सांगा जो थे उनके पुत्र थे, तो उनसे उनका विवाह हुआ था भोजराज जी से, पर विवाह हुआ, पर ये जो थे ये कृष्ण को अपना मन ही मन अपना वो क्या बोलते हैं पति मानते थे ठीक है ना। तो इनकी पूजा करते थे, आराधना करते थे, और इस तरह से इनको अपना इष्ट मानती थी ठीक है ना। तो ये मीरा जो थी हमारे राजस्थान की ठीक है ना। अब देखिए आगे क्या है, गुरु जो थे इनके रैदास जी थे, इनके गुरु के बारे में, रैदास जी इनके गुरु थे। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। वन सेकेंड, चलिए, गुरु जो थे रैदास जी थे, और मेड़ता जो था इनका पालन पोषण जो था इनके ननिहाल में हुआ था। तो इनके ननिहाल में नाना जी जो थे वो मेड़ता से थे, और इनकी माता जी मेड़ता से थी, तो इनके ननिहाल कहाँ था, मेड़ता में था।
ये इनमें कही गई है। मेड़ता में इनका पालन पोषण रहा, अधिकतर समय मेड़ता में रहा। और आप देखेंगे मंदिर भी जो बहुत अच्छा सुंदर सा मंदिर बना हुआ है वो भी मेड़ता के अंदर मीरामाई का बना हुआ है, और बहुत ही सुंदर भगवान कृष्ण की भक्ति इनके द्वारा की जाती थी। ठीक है ना, बचपन से ही कहा जाता है कि ये अपने पति के रूप में भगवान श्री कृष्ण को मानते थे। इनके नाना जी वगैरह इन्होंने यही बताया था, तो ये इनके इष्ट बन गए और मूर्ति से ही ये प्रेम करते थे। ठीक है ना, अब देखिए आगे चलते हैं। राजस्थान की राधा भी इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान की राधा। तो राजस्थान की राधा किन्हें कहा जाता है? तो अगर ये पूछ लिया जाए तो राजस्थान की राधा मीरा को, मीराबाई को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा सा इशू है, कोई नहीं, अपन इसको सही कर लेंगे अच्छे तरीके से। मेवाड़ का पालन पोषण जो वन का मेवाड़ में हुआ, भगवान कृष्ण को अपना क्या मानती थी? पति मानती थी, और सगुण भक्ति, ये है सगुण भक्ति। ठीक है ना, सगुण भक्ति पर इन्होंने, सगुण भक्ति या सगुण रूप की पूजा करती थी। ठीक है ना, राजस्थान की राधा कहा जाता है। महात्मा गांधी के अनुसार मीराबाई को अन्याय, ठीक है ना, अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाली सत्याग्रही महिला कहा गया है। तो सत्याग्रही महिला किसने कहा है? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, सत्याग्रही महिला महात्मा गांधी ने कहा है, महात्मा गांधी द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा। ठीक है ना, सत्याग्रही महिला महात्मा गांधी ने कहा है। और रणछोड़ मंदिर, जो रणछोड़ मंदिर है वो मीराबाई भगवान कृष्ण की मूर्ति में समाहित हो जाती है, ये वहां पर बताया गया है कि भगवान जो है मीराबाई जो कहाँ समाहित हो गई, तो रणछोड़ मंदिर के अंदर समाहित हो गई। ठीक है ना, रणछोड़ मंदिर का नाम आपको ध्यान रखना है। अब इनके कुछ पुस्तकें हैं तो वो ध्यान रखिएगा। तो पद्मावली, पद्मावली इनकी पुस्तक या फिर रचनाएं क्या हैं? तो पुस्तक है पद्मावली, पहली ही पुस्तक है, क्या नाम है? पद्मावली। दूसरी पुस्तक का नाम है गोविंद जी, गोविंद के गीत, गोविंद के गीत इनकी दूसरी पुस्तक है। ठीक है ना, और रुक्मणी, रुक्मणी मंगल, रुक्मणी मंगल इनकी तीसरी ग्रंथ है, रुक्मणी मंगल। ठीक है, सत्य भागा, सत्य भागा नू रूसनो, ठीक है ना, सत्य भागा सु रूसनो, ये इनका। अच्छा, इसमें कुछ नाम चेंज हो गया है, मैं यही सोच रहा था ये चेंज कैसे हो गया, पढ़ने में भी नहीं आ रहा। सत्य भागा नू रूसनो, ठीक है ना, ये इसको चेंज करिएगा, रूसनो, कूसन हो गया, ठीक है ना, रूसनो, सत्य भागा नू रूसनो, सत्य भागा नू रूसनो, ये है। और नरसी जी का मायरा जो है रत्ना, रत्ना खाती के सहयोग से इन्होंने लिखी है। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है, पद्मावली पहली है, गोविंद जी का गीत, और रुक्मणी मंगल, और सत्य भागाणु रूसनो, और नरसी जी का मायरा। तो नरसी जी का मायरा अमूमन आपको याद रखना है कि माँ मीराबाई द्वारा लिखित ग्रंथ है। ये आपने मीराबाई के पढ़ा, मीराबाई के बारे में एक बार क्विक रिवाइज कर देते हैं। तो कुड़की पाली के अंदर इनका जन्म हुआ था, ये सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। दूसरा है इनका भोज, राजा भोज से इनका विवाह हुआ था, और भोज जो थे मेवाड़ के राणा सांगा के पुत्र थे। कौन थे? मेवाड़ के राणा सांगा जो है इनके पुत्र थे, और इनके गुरु जो है रैदास जी हैं। रैदास जी कौन थे? इनके गुरु थे, और भगवान कृष्ण को ये क्या मानती थी? अपना पति मानती थी, और सगुण सगुण भक्ति करके पूजा करते थे। और साथ ही साथ में अगर देखें तो इनका पालन पोषण मेड़ता में हुआ है, तो मेड़ता इनका ननिहाल था, ननी के पास ही रहते थे। और राजस्थान की राधा जो कहा जाता है वो मीराबाई को कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान की राधा, ये आपको ध्यान रखना है। रणछोड़ मंदिर के अंदर ये क्या हो गए? मूर्ति में समाहित हो गए थे। ठीक है ना, तो इनका यही आक्षा मिलता है, साक्ष्य मिलता है कि भी समाहित हो गए थे। और मीराबाई को सत्याग्रही महिलाएं, जो सत्याग्रही महिला अगर कहा था, तो सत्याग्रही महिला इनको हमारे महात्मा गांधी जी द्वारा कहा गया, ये बात आपको यहाँ तक रखनी है। इनके जो मुख्य रचनाएं हैं, पद्मावली पहला है, दूसरा है गोविंद जी, गोविंद गोविंद के गीत, तीसरा है रुक्मणी, रुक्मणी मंगल, और चौथा है इनका सत्यभागा नु रूसणो। ठीक है ना, रूसणो, सत्यभागा नु रूसणो, और अंतिम जो आता है वो आता है नरसी जी का मायरा, नरसी जी का मायरा। ठीक है ना, मायरा, मायरो, मायरा इसे बोलते हैं। ठीक है ना, अब आते हैं 17 नंबर पर, राणा 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 बाईसा। राणा बाईसा जो है वो आपके हरनवा नागौर क्षेत्र पड़ता है, हरनवा 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 नागौर क्षेत्र पड़ता है, और मेला जो भरा जाता है शुक्ल, सॉरी भाद्रपद शुक्ल
त्रियोदशी को इनका मेला भरा जाता है। तो इसमें लिखा हुआ थोड़ा सो हो तो आप पढ़ते वक्त ध्यान रखिएगा। मेला है, पिता जो है राम गोपाल जी इनके पिताजी थे और गंगा बाई इनकी माता जी थी। गुरु जो थे, गुरु इनके थे चतुरदास जी। चतुरदास जी इनके क्या थे? गुरु थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, चतुरदास जी ये इनके गुरु थे। ये पहला हमने पढ़ा। तो क्या था पहला, के क्या पढ़ा हमने इनमें कि हरनवाल, हरनवा तो ये इनका मुख्य केंद्र रहा, ठीक है ना, नागौर के पास में है। और मेला जो भरा जाता है भाद्र शुक्ल द्वितीया को भरा जाता है। राम गोपाल जी इनके पिताजी थे, गंगा बाई इनकी माता जी थी, और गुरु जो थे चतुरदास जी इनके गुरु थे। तो चतुरदास जी के बारे में हमने आगे लिख दिया। चतुरदास जी पालड़ी, ये क्षेत्र जो है पालड़ी क्षेत्र था, वहां के थे। तो इसको पालड़ी, पालड़ी को ब्रैकेट में डाल देता हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पर यह भी भगवान कृष्ण के क्या थे? भक्त थे। भगवान कृष्ण के भक्त थे, इनका भी ध्यान रखना है। ये भी भगवान कृष्ण की भक्ति करते थे। राजस्थान का ये जो थी, ये राजस्थान की दूसरी मीरा कही जाती है, ठीक है ना। पहली मीरा, मीरा पहली, अच्छा हाँ, पहली जो थी वो हमारे राजस्थान की राधा थी मीराबाई। और ये जो थे ये भी मीराबाई की भक्ति पर चलते थे, मीराबाई से प्रेरित थे। तो इनको भी क्या कहा जाता है? राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है, ठीक है ना। और अहमदाबाद के युद्ध के दौरान जोधपुर के महाराजा अभय सिंह जी की रक्षा भी इन्होंने ही की थी। जब अभय सिंह जी ने, ऐसा बताया जाता है कि अभय सिंह की रक्षा की थी अहमदाबाद के युद्ध के समय। अभय सिंह की रक्षा किसने की थी? तो राणा भाईसा ने की थी। राणा भाईसा का भी भव्य मंदिर है, ठीक है। राणा भाईसा भी इन्हीं से प्रेरित थे। अगले पे चलते हैं। भक्त कवि दुर्बल दुर्लभ, ठीक है ना। भक्त कवि दुर्लभ जो है, भक्त कवि दुर्लभ वागड़ का नरसिंह, नरसिंह वागड़ का नरसिंह अगर कहा जाता है तो भक्त कवि दुर्लभ को कहा जाता है, ठीक है ना। वल्लभ संप्रदाय अगला जो आता है, वल्लभ संप्रदाय। अब संप्रदाय के बारे में भगवान, तो भगवान कृष्ण, यहाँ पर आगे थोड़ा सा नाम चेंज हो गया है टाइपिंग मिस्टेक में, इसको सही कर लीजिए। भगवान, भगवान कृष्ण के बाल रूप की यहाँ पर क्या की जाती है? पूजा की जाती है। और इनके मंदिर जो होते हैं उनको हवेली बोला जाता है। इन मंदिरों में हवेली संगीत गाया जाता है, ठीक है ना। मंदिरों को हवेली बोला जाता है, उनके अंदर संगीत गाया जाता है, ये बात याद रखें। पिछवाइयाँ, पिछवाइयों का चित्र बने हुए रहते हैं, मतलब पर्दे के ऊपर जो मूर्ति होती है भगवान की, उसके पीछे एक पर्दा लगाया जाता है, उस पर्दे पर चित्रण किया जाता है। तो वो चित्रण जो होता है ना मूर्ति के पीछे वाला, तो उसको बोला जाता है पिछवाइयाँ। और पिछवाइयाँ जो होता है, पिछवाइयों के चित्र उस पर बने हुए रहते हैं वो। और सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो पिछवाइयों के चित्र है वो किशनगढ़ का, किशनगढ़ सॉरी पिछवाइयाँ प्रसिद्ध हैं। और सबसे ज्यादा प्रसिद्ध नाथ द्वारा की है। कहाँ की है? तो नाथ द्वारा की, नाथ द्वारा, नाथ द्वारा की सबसे ज्यादा, नाथ द्वारा की सबसे ज्यादा क्या है? प्रसिद्ध पिछवाइयाँ है, ठीक है ना। ये यहाँ पर याद रखना है। वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव में आकर किशनगढ़ के महाराज जो थे सावंत सिंह, ये यहाँ पर याद रखना है कि वल्लभ संप्रदाय के उसमें आकर, संप्रदाय के प्रभाव में आकर सावंत सिंह ने अपना नाम क्या कर दिया? नागरिक दास कर दिया, ठीक है ना। और इनके द्वारा कई काव्य और रचनाएं लिखी गई, तो उनके अंदर जो अंत में लिखा जाता था वो नागरिक दास ही नाम लिखा जाता था, नागरी दास, ठीक है ना। नागरी दास इन्होंने अपना नाम रख लिया। और राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय के टोटल कितने मंदिर हैं? तो टोटल यहाँ पर वल्लभ संप्रदाय के 41, 41 मंदिर यहाँ पर वल्लभ संप्रदाय के हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। मुख्य मंदिर कौन कौन थे? तो श्रीनाथ जी नाथ द्वारा के अंदर है, ठीक है ना। नाथ द्वारा, नाथ द्वारा में कौन सा है मंदिर है? श्रीनाथ जी का मंदिर है। और कांकरोली, द्वारिकाधीश जी का मंदिर कांकरोली में है, कांकरोली। ये दोनों मंदिर जो है ये आपके राजसमंद में, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट जो आता है उसके अंदर है। और मयूरेश्वर, मयूरेश्वर जी का मंदिर, मयूरेश्वर जी का मंदिर कोटा में है। और गोकुल चंद जी, गोकुल चंद जी का मंदिर कामा में है। और एक मंदिर आगे और लिख दिया मैंने, यहीं लिख देता हूँ, मदन, मदन मोहन जी का मंदिर, मदन मोहन जी का मंदिर जो है, मदन मोहन जी का मंदिर ये भी कामा में, ठीक है ना। ये कामा में, भरतपुर, दो भरतपुर में है, दो राजसमंद में, एक कोटा में। ये प्रमुख मंदिर है, ठीक है ना। मंदिर तो 41 है पर प्रमुख में बात आए तो ये है। तो एक बार वापस रिवाइज कर लीजिए। श्री नाथ द्वारा के अंदर इनके मंदिर कहाँ कहाँ है? श्रीनाथ जी के अंदर है, नाथ द्वारा में है, कांकरोली, ये दोनों राजसमंद में है। मयूरेश्वर जी का मंदिर कोटा के अंदर है, गोकुल चंद जी का मंदिर और मदन मोहन जी का मंदिर ये भरतपुर के अंदर है। और टोटल 41 यहाँ पर मंदिर बने हुए हैं। वल्लभ संप्रदाय में भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। इन्हें मंदिरों को हवेली बोला जाता है और मंदिरों में हवेली संगीत गाया जाता है। पिछवाइयाँ प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध पिछवाइयाँ हैं। और किशनगढ़ के महाराज सावंत सिंह जो थे वो नागरिक दास अपना नाम रख लिया है। वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव में आकर इन्होंने अपना नाम परिवर्तित कर लिया, ठीक है ना, प्रेरणा में आकर। रामानंद जी, रामानंद जी के बारे में पढ़े तो रामानंद जी की दो पीठ है। यहाँ पर दोनों पीठों का आपको नाम याद रखना है, तो मैं दोनों पीठों के बारे में बता देता हूँ। दो पीठ है, पहली पीठ जो है वो है यहाँ पर गलता जी,
गलता जी जयपुर है, अजमेर और जयपुर के बीच में अगर रास्ता पड़ता है तो वहां पर जयपुर, अच्छा जयपुर एरिया के अंदर आता है गलता जी। गलता जी एक पहली शाखा है, दूसरा है रेवासा। रेवासा, रेवासा जो है सीकर के अंदर है। तो दो यहां पर इनकी क्या है, प्रमुख शाखाएं हैं गलता जी के अंदर। कृष्णदास जो पणहारी उन्हें बोला जाता है, इन्होंने किन्होंने की थी, तो ये आपको नाम याद रखना है, कृष्णदास, कृष्णदास जी द्वारा गलता जी में, कृष्णदास जी पहारी। और रेबासा जी के अंदर किया जाता था अग्रदास, अग्रदास और कृष्णदास, अग्रदास जी और कृष्णदास जी को, दोनों का नाम आपको याद रखना है। ये है रेवासा के अंदर, ये है गलता जी के अंदर, ठीक है ना। पीठ जो है दोनों के बारे में बता दिया। और अब देखिएगा, आमेर के राजा जो पृथ्वी सिंह, पृथ्वीराज जो थे, और उनकी पत्नी बालाबाई, बालाबाई, और दोनों ने क्या किया था, कृष्णदास जी के शिष्य थे। किसके शिष्य थे, तो कृष्णदास जी के शिष्य थे, शिष्य, ठीक है ना, कृष्णदास जी के शिष्य थे। कौन, आमेर के, ये दोनों आमेर से हैं, तो राजा और रानी दोनों थे जो इनके क्या थे, शिष्य थे, ठीक है ना। और इस संप्रदाय के अंदर भगवान राम की पूजा की जाती है। अब देखिएगा, दोनों में एक चीज है, भगवान रामानंदी है यहाँ पर, ये रामानंद संप्रदाय करते हैं, रामानंदी संप्रदाय, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, रामानंदी संप्रदाय जो है, रामानंदी संप्रदाय के अंदर इस संप्रदाय में क्या होता है, भगवान राम की पूजा की जाती है, ठीक है ना। भगवान राम की पूजा किस तरह की जाती है, तो राम नायक के रूप में, रसिक नायक के रूप में की जाती है। राम, भगवान राम की पूजा, भगवान राम की पूजा किस में की जाती है, रसिक नायक के रूप में की जाती है। रसिक नायक का मतलब हो गया कि रसिक, जैसे इनको भगवान राम को रसिक नायक के रूप में पूजा की जाती थी, और रसिक नायक से ही क्या बन गया, रसिक नायक संप्रदाय बन गया, रसिक संप्रदाय बनाया इन्होंने, क्या बनाया, रसिक संप्रदाय। किससे, रसिक नायक भगवान राम की पूजा करते हैं, और रसिक नायक जो है, रसिक संप्रदाय इन्होंने भी कहा जाता है, ये भी कहा जाता है रसिक संप्रदाय, ठीक है ना। दोनों चीजें याद रखनी है, रसिक संप्रदाय भी कहा जाता है, रामानंदी संप्रदाय भी कहा जाता है। और इनके अंदर देखा जाए तो सवाई जय सिंह जो थे, उनके शासनकाल के अंदर कृष्ण भट्ट, कृष्ण भट्ट जी जो थे, कृष्ण भट्ट जी ने क्या किया था, कृष्ण भट्ट जी ने यहाँ पर राम रासो, राम रासो की रचना की थी। भट्ट, अच्छा भट्ट पाठ हो गया, भट्ट, कृष्ण भट्ट, थोड़ा सा हो सकता है, कृष्ण भट्ट, ठीक है ना, कृष्ण भट्ट, कृष्ण भट्ट है। और गलता जी जो है इनका मुख्य जगह बनी हुई है, तो गलता जी को भी कुछ यहाँ पर इंडिकेट किया गया है। यहाँ पर गलत ऋषि जो थे, गलत ऋषि का आश्रम है गलता जी में, किसका आश्रम, गलत ऋषि का आश्रम है, ठीक है ना, गलत ऋषि का आश्रम है। और सूर्य मंदिर भी यहाँ पर बना हुआ है, सूर्य मंदिर कोंकण का जो सूर्य मंदिर है उसके जैसे तियाग पर बनाया गया है, ठीक है ना, ये याद रखना है, गलता जी के अंदर भी सूर्य मंदिर है। और एक चीज और है यहाँ पर, इसे मंकी वैली बोला जाता है, ठीक है ना, राजस्थान का मंकी वैली अगर कहा जाता है तो गलता जी को कहा जाता है, ये बात आप यहाँ रखिएगा, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर होता है कंप्लीट रामानंदी संप्रदाय। रामानंदी संप्रदाय दो पीठ है, गलता जी और रेवासा सीकर के अंदर, और आमेर के राजा पृथ्वी सिंह और रानी बाला बाई जो थे इनके शिष्य थे कृष्णदास जी के, ठीक है ना। और रसिक नायक की पूजा की जाती है, राम, राम जी की पूजा रसिक नायक के रूप में की जाती है, तो रसिक संप्रदाय कहा गया। और राम रासो जो है कृष्ण जी भट्ट के द्वारा, कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया। और गलता जी जो है, गलता जी गलत ऋषि जो थे उनका आश्रम यहाँ पर है, सूर्य मंदिर यहाँ पर है, मंकी वैली से बोला जाता है, ठीक है ना। निम्बार्क, निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय में राधा जी की, राधा जी को भगवान कृष्ण की पत्नी के रूप में मानते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये याद रखना, निम्बार्क संप्रदाय में क्या करते हैं, पत्नी के रूप में, पत्नी के रूप में मानते हैं, ठीक है ना, पत्नी के रूप में मानते हैं, पहली बात है। और युगल स्वरूप की पूजा की जाती है, दोनों ही राधा और कृष्ण जो थे उनके युगल स्वरूप की पूजा की जाती है। और इनका जो मुख्य केंद्र है, मुख्य केंद्र कहाँ है, सलेमाबाद में, मुख्य केंद्र, ठीक है ना, सलेमाबाद अजमेर के अंदर पड़ता है, तो सलेमाबाद में इनका मुख्य केंद्र है। परशुराम जी ने भी इस केंद्र की स्थापना की थी, मतलब जो आपको सलीमाबाद वाला है तो उसके अंदर परशुराम जी जो थे, परशुराम जी उन्होंने यहाँ पर इसकी स्थापना की। मेला भरा जाता है राधा अष्टमी को, ये निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय। अब इसमें थोड़ा सा र का थोड़ा इशू रहता है, संप्रदाय ऐसे लिखते हैं वैसे तो, संप्रदाय, तो यहाँ पर हो सकता है कि थोड़ा इशू रहे, तो आप इसको कैरी ऑन कर लीजिएगा मेरी तरफ से, ठीक है ना। राधा जी का, राधा जी को भगवान कृष्ण की पत्नी माना जाता है, युगल स्वरूप की पूजा की जाती है, सलीमाबाद में इनका मुख्य केंद्र है, राधा अष्टमी को इनका क्या भरा जाता है, मेला भरा जाता है, ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। परनामी संप्रदाय, परनामी संप्रदाय जो आपके पन्ना एमपी के अंदर पड़ता है, मध्य प्रदेश में पन्ना, वहां का इनका क्या है, मुख्य केंद्र है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मुख्य केंद्र कहाँ है, पन्ना, मुख्य केंद्र कहाँ है, पन्ना एमपी के अंदर है, वहां पर पड़ता है। और परनामी जो इनके संस्थापक हैं, संस्थापक जो है प्राणनाथ,
प्राणनाथ जी इनके क्या हैं संस्थापक। आपने भी राजस्थान में अगर बात कहीं ना कहीं सुनी हो तो आपके पूर्व प्रदेशाध्यक्ष रहे हुए हैं अशोक परनामी, जो इसी संप्रदाय से बिलोंग रखते हैं, तो उससे आपको याद आ जाएगा परनामी संप्रदाय। परनामी संप्रदाय में प्राणनाथ जी तो इनके संस्थापक थे, और ग्रंथ जो इनका है कुंजलम स्वरूप, जो इनका है एक ग्रंथ है कुंजलम स्वरूप, इनका क्या है कुंजलम स्वरूप इनका एक ग्रंथ है। और आदर्श नगर जयपुर जो क्षेत्र है वहां पर इस संप्रदाय का मंदिर है। संप्रदाय का क्या है मंदिर, ठीक है ना। राजस्थान में मंदिर कहाँ है, तो आदर्श नगर जयपुर के अंदर इस संप्रदाय का मंदिर है। मुख्य केंद्र जो रह गया पन्ना एमपी के अंदर रह गया, संस्थापक प्राणनाथ जी थे, और कुंजलम स्वरूप स्वरूप जो है वो ग्रंथ है आदर्श नगर जयपुर के अंदर इनके प्रमुख संप्रदाय का मंदिर है, ठीक है ना। ये आपने यहाँ पर पढ़ा राम स्नेही संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट सारे हो गए। राम स्नेही संप्रदाय में आप देखिएगा चार शाखाएं हैं, तो चारों शाखाओं के मैंने सबसे पहले नाम लिखे हैं। तो प्रमुख जो है प्रमुख आपके शाहपुरा के अंदर आती है राम स्नेही संप्रदाय, जो राम स्नेही लोग होते हैं वो इसके संप्रदाय, इसके बारे में पढ़ते हैं 1 मिनट। तो शाहपुरा जो है वो भीलवाड़ा के अंदर है, तो भीलवाड़ा वाले क्षेत्र में जो है वो शाहपुरा सबसे मुख्य शाखा यही है, आपको यही ध्यान रखना है। सबसे मुख्य शाखा अगर कही जाए तो यही शाखा सबसे मुख्य शाखा है। और रेण, ये रेण जो है ये नागौर के अंदर है, ठीक है ना। इसके बारे में बताएंगे किन किन ने इनकी स्थापना की। जोधपुर शाहपुरा की स्थापना जो की थी रामचरण जी ने की थी, रामचरण जी, ठीक है ना। चार शाखाएं हैं, चार क्षेत्र हैं, मुख्य क्षेत्र के अंदर शाहपुरा, शाहपुरा के अंदर आप देखिएगा कि भीलवाड़ा क्षेत्र में है, और रामचरण जी के द्वारा इनकी स्थापना की गई थी। और रेवासा सॉरी रेण, माफी चाहूंगा, रेण जो है वो नागौर के अंदर है, नागौर के अंदर जो करी थी दरियाव जी ने इनकी स्थापना की थी और संस्थापक थे। और सिंथल, सिंथल जो है वो बीकानेर के अंदर है, सिंथल बीकानेर के अंदर भी स्थापना की गई है। तो सिंथल बीकानेर वाला हरी रामदास जी ने की है। और खेड़ापा खेड़ापा खेड़ा खेड़ापा जो है ये जोधपुर के अंदर है, खेड़ापा के अंदर जो स्थापना की गई है वो आपके रामदास जी के द्वारा की गई, ठीक है ना। चरणदास जी शाहपुरा, और दरियाव जी रेण, और सिंथल जो है हरिदास जी, हरी रामदास जी, और खेड़पा जो है रामदास जी, ठीक है ना। रामदास जी, चरणदास जी, दरियाव जी, हरिदास, हरी रामदास जी, रामदास जी, और ये सब दास जी ही हैं। चरणदास जी, चरण जी, रामचरण जी, और दरियाव जी, हरी रामदास जी, रामदास जी, है ना। चार शाखाएं, चारों के बारे में मुख्य जो है ना वो शाहपुरा वाली है, ये आपको याद रखना है। तो राम स्नेही संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय चार शाखाएं। इसमें क्या होता है निर्गुण निर्गुण भक्ति की बात कही गई, और ये संप्रदाय जो निर्गुण भक्ति पर विश्वास रखता है। और दशरथ पुत्र राम की पूजा नहीं की जाती, बल्कि निर्गुण राम की पूजा की जाती है। दशरथ पुत्र राम की पूजा नहीं होती है, दशरथ पुत्र राम की पूजा नहीं होती, बल्कि किसकी होती है निर्गुण निर्गुण राम की पूजा, निर्गुण राम की पूजा, निर्गुण राम की पूजा, निर्गुण राम की पूजा की जाती है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। और इनके जो साधु होते हैं वो साधु गुलाबी रंग के कपड़े पहनते हैं, ठीक है ना, वस्त्र जो धारण करते हैं गुलाबी रंग के करते हैं। राम स्नेही संप्रदाय के लोग जो होते हैं, इनके अनेक मंदिर और प्रचारक होते हैं जो अपना इस तरह से राम द्वारा जिसे बोला जाता है, जहाँ पर वो लोग रहते हैं तो राम द्वारा होता है, अपने घर परिवार बस्ती को छोड़कर रहते हैं और गुलाबी रंग के वस्त्र धारण कर लेते हैं। कोई बाल्य उम्र से ही अगर ऐसा स्थान प्रारंभ कर देता है, और कोई उम्र आने की बात करता है, ठीक है ना। होली के अगले दिन जो होता है वो शाहपुरा के अंदर फूल डोल मेला वो शाहपुरा जो है आपका भीलवाड़ा शाहपुरा शाहपुरा के अंदर भरा जाता है, और ये आयोजन किया जाता है इनके द्वारा, ठीक है ना। अब रामचरण दास जी जो है इनके प्रमुख संस्थापक हैं, तो उनके बारे में एक बार पढ़ते हैं। रामचरण दास रामचरण जी के बारे में हम पढ़ते हैं ये, ठीक है ना। सोडा टोंक जो है इनका जन्म हुआ है, ठीक है ना। पिता जो है भक्त सिंह जो इनके पिताजी थे, माता है देव देव इनकी माताजी हैं, और कृपाराम जी दांतड़ा के, ये दांतड़ा जो आपका वो भीलवाड़ा वाला क्षेत्र है, दांतड़ा के इनके गुरु हैं कृपाराम जी, दांतड़ा से इनके जो हैं गुरु हैं, गुरु कृपाराम जी, ठीक है ना। राम किशन जी जो है इनका वास्तविक नाम है, राम किशन इनका वास्तविक नाम क्या है, राम किशन है। और शाहपुरा के राजा राजा जो थे रण सिंह जो थे शाहपुरा के राजा रण सिंह ने इन्हें इन इनके लिए मठ और छतरी बनवाई थी, मठ वह छतरी,
का निर्माण, ठीक है ना। ये आपने रामचरण दास जी के बारे में पढ़ लिया, ठीक है ना। रामचरण जी, रामचरण जी जो है इनका सोडा टोंक जो है वहां पर इनका जन्म हुआ था, और भगत सिंह के पिताजी थे, दाऊ दाऊ इनकी माताजी थी, और कृपाराम जी दांतड़ा से इनके गुरु रहे हैं, रामकिशन जी जो है वास्तविक इनका नाम है, और राम राजा जो थे रण सिंह, इन्होंने इनकी छतरी और मठ बनवाया, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, कहाँ बनवाया ये भी ध्यान रख लीजिए, तो शाहपुरा जो क्षेत्र है वहीं बनवाया हो, शाहपुरा में बनवाया। आगे चलते हैं, गौड़ीय संप्रदाय, गौड़ जो होते हैं गौड़ीय संप्रदाय, संप्रदाय गौड़ीय संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु ने गौड़, गौड़ जो होते हैं वो बंगाल से ये संप्रदाय प्रारंभ हुआ है, बंगाल जो मुख्य क्षेत्र रहा है, तो चैतन्य महाप्रभु ने गौड़ संप्रदाय जो है, गौड़ संप्रदाय बंगाल से, गौड़ संप्रदाय बंगाल से प्रारंभ, ठीक है ना, संप्रदाय बंगाल से प्रारंभ हुआ है। और मंदिर जो है वो गोविंद देव जी का मंदिर, इनका प्रमुख मंदिर के बारे में चर्चा कर लें, तो गोविंद देव जी का मंदिर जो जयपुर के अंदर है, वहां पर जयपुर के राजा जो सवाई जय सिंह थे उन्होंने निर्माण करवाया था, और जयपुर के राजा स्वयं गोविंद देव जी को अपना क्या मानते थे, दीवान मानते थे, तो ये आपको याद रखना, गोविंद देव जी को दीवान मानते थे, दीवान मानते थे, गोविंद देव जी को अपना क्या मानते थे, दीवान मानते थे। और दूसरा है मदन मोहन जी करौली, मदन मोहन जी करौली में करौली के राजा जो गोपाल, गोपाल पाल ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, तो गोपाल पाल का नाम याद रखना, गोपाल पाल, महाराजा गोपाल पाल जी और महाराजा सवाई जय सिंह जी, और उनको अपना दीवान मानते थे, राजा स्वयं को गोविंद जी का दीवान मानते थे, ये याद रखना, ठीक है ना। यहाँ ये बात आपको प्रमुख गौड़ी, गौड़ीय संप्रदाय के बारे में, गौड़ीय संप्रदाय के बारे में, चैतन्य महाप्रभु गॉड का संप्रदाय जो प्रारंभ होता है वो बंगाल के अंदर से होता है, मंदिर जो गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में है, और सवाई जय सिंह ने यहाँ पर क्या किया था, सवाई जय सिंह ने इनका मंदिर का निर्माण करवाया था, और ये अपने को क्या मानते थे, गोविंद देव जी के दीवान मानते थे। और मदन मोहन जी करौली के अंदर आपके गोपाल दास जी जो थे इन्होंने इन मंदिर का निर्माण करवाया था, और नाथ संप्रदाय से ये क्या है, प्रेरित, अच्छा सॉरी, नाथ संप्रदाय आगे आ गया है, ये यहाँ पर नाथ संप्रदाय नहीं है, ठीक है ना, ये कट कर दीजिएगा, ये यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। ये हमने इनके अंदर दो तीन ही चीज़ें मुख्य मुख्य थी वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली, ठीक है ना। अब अपन आते हैं नाथ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय आगे शायद मैं लेके आया इसको, यहाँ पर ही होगा, इसमें पीपीटी थोड़ा गलत बन गया, नाथ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय जो है इसके बारे में चर्चा करते हैं। अगला जो है हमारा 25वें नंबर का नाथ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय के अंदर देखिएगा वैरागनाथी पहला संप्रदाय के अंदर दो पीठ है, तो वैरागनाथी और माननाथी वैरागनाथी दोनों का नाम याद रखना है, वैरागनाथी और माननाथी दो तरह के नाथ संप्रदाय में शाखाएं हैं। और राता डूंगा नागौर के अंदर जो है वो इनका पहला है, और महामंदिर जो जोधपुर में है, महामंदिर वो माननाथी संप्रदाय का है, ठीक है ना, नाथ संप्रदाय का ही है, तो महामंदिर जो है वो जोधपुर के अंदर जो है वो नाथ संप्रदाय का है, शाखा है माननाथी, उसमें महामंदिर जो है, महामंदिर उसकी शाखा है, ठीक है ना, माननाथी की, नाथ संप्रदाय पे। और दूसरा जो आता है वो राताडूंगा नागौर के अंदर है, और ऋषि भरतरी जो थे उनको इनका प्रथम प्रचारक माना जाता है, प्रथम प्रचारक, ठीक है ना, भरतरी प्रथम प्रचारक, ठीक है ना, प्रथम प्रचारक माना जाता है, भरतरी को माना जाता है, ऋषि भरतरी। और योगी रतननाथ ने जैसलमेर के देवराज भाटी जो है उनका राज तिलक किया था, यहाँ पर ये बात, योगी रतननाथ जी जो थे वो वैरागी नाथ संप्रदाय जो था, शाखा थी नाथ संप्रदाय की, वैरागनाथी संप्रदाय के थे, तो उनका नाम आपको ध्यान रखना है, तो उनका नाम था योगी रतननाथ ने जैसलमेर के भाटी राजवंश का राज तिलक किया था, देवराज भाटी, ठीक है ना। एक बार रिवाइज कर देता हूँ, नाथ संप्रदाय में दो शाखाएं होती है, वैरागीनाथ और माननाथ, माननाथ जो है महामंदिर जोधपुर का इनका मंदिर है, और वैरागीनाथ जो है राता डूंगा नागौर के अंदर क्षेत्र है, वहां पर उनका प्रमुख
एरिया है। और ऋषि भर्तृ जो थे उनके प्रथम प्रचारक थे, योगी रतननाथ जो थे वो देव राज भाटी जो हैं जैसलमेर के राजा, उनका राजतिलक किया था। तो इससे उनको कोरिलेटर से याद रखना है, वो वैरागनाथ से, वैरागनाथ संप्रदाय, वैरागनाथ शाखा जो है नाथ संप्रदाय की, उससे बिलोंग करते थे, ठीक है ना। ये आपने यहाँ पर नाथ संप्रदाय के बारे में पढ़ा, ठीक है ना। गौरीबाई, गौरीबाई जो है इन्होंने वागड़ की मीरा कहा जाता है, तो वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है। अब दो तीन चीजें आपको बहुत सी याद हो रही होगी कि राणाबाई, राणाबाई राजस्थान की दूसरी मीरा, पहली मीरा जो है राजस्थान की राधा, ठीक है ना, मीराबाई, और गौरीबाई जो है वो वागड़ की मीरा कहा जाती है, ठीक है ना। डूंगरपुर जो महारावल थे शिव सिंह ने इन्हें बाल मुकुंद मंदिर बनवाकर दिया था, जो गौरीबाई का मंदिर भी कहा जाता है, बाल मुकुंद मंदिर, या फिर इसे कहा है गौरीबाई का मंदिर, गौरीबाई का मंदिर, ठीक है। ये यहाँ पर हमने संत और संप्रदाय के बारे में मुख्य मुख्य यहाँ पर चर्चाएं कही है। टोटल 26 थे, 2 लेक्चर के अंदर कंप्लीट किए थे। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, और बने रहिए हमारे साथ, अगले और किसी टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।